हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के अंग्रेजी अनुवाद। तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इससे मैच करके आप अपनी गलतियों को सुधार दीजिए, अगर कहीं पर गलती होगी तो। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डिग्री। ओके फ्रेंड्स, डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री, यही आज हम सीखेंगे कि डिग्री क्या होता है और डिग्री वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये तीन डिग्री है, तीन डिग्री को आपको समझना है कि किस डिग्री में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। पहला, मैंने आपको जैसे बताया कि पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट जो होता है पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में राजू उतना ही लंबा है जितना राहुल, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। मैं तुम्हारे जितना ही गोरा हूँ, वह मेरे जितना ही तेज है, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के जितना ही धनी है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी उतना ही धनी हैं जितना तुम्हारे पिताजी, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं पॉजिटिव डिग्री में। ओके फ्रेंड्स, इसमें मिस इतना उतना उतना जितना, इस तरह का वह शब्द जो है वो आता ही है। ओके, इसी से आप समझ जाना कि ये पॉजिटिव डिग्री है, कि मैं उतना तेज नहीं हूँ जितना कि तुम, ये पॉजिटिव डिग्री है। ओके फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में भी जितना जितनी उतना उतनी ऐसा आता है तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव मतलब हम किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयरिंग करते हैं। ओके, दो चीज़ों के बीच में, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ओके, जैसे मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, बड़ा है या छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कंपेयरिंग करते हैं कि मेरा घर तुम्हारे घर से छोटा है, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से धनी हैं, मैं तुमसे लंबा हूँ। मीन्स दो के बीच यहाँ पर कंपेयरिंग किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारी किताब मेरे किताब से पुरानी है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कंपेरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में किसी से तुलना करते वक्त हम उस चीज़ को अव्वल बताते हैं। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे ज़रूर आता है, जैसे तुम सबसे लंबे हो, मीन्स चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो वो सबसे अव्वल होगा, मीन्स नंबर वन होगा। ओके, राम अपने क्लास में सबसे तेज लड़का है, मेरे पिताजी गांव में सबसे धनी आदमी हैं, सबसे, इस तरह का वर्ड्स आएगा, सबसे धनी, सबसे तेज, सबसे काला, सबसे गोरा, सबसे बुद्धिमान। ओके फ्रेंड्स, तो वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अभी हम बनाना शुरू करते हैं। राजू उतना ही लंबा है जितना राहुल, राजू इज एज टॉल एज राहुल, ये जो टॉल है ये एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले एज और एडजेक्टिव के ठीक बाद एज, लंबा, छोटा, गोरा, काला, बुद्धिमान, तेज, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले एज, एडजेक्टिव के बाद फिर से एज। अभी दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री से, राजू राहुल से लंबा है, तो ये कंपैरेटिव हो गया, कंपेयरिंग कर रहे हैं किसी से कि राजू इस, इसमें इसका जो फॉर्मूला है, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को बनाने के लिए उसके एडजेक्टिव में ई आर ज़रूर लगाते हैं, मीन्स टॉलर, स्मॉलर, स्ट्रॉन्गर, मीन्स जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें ई आर ज़रूर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो राजू इज टॉलर, उसके बाद देन ज़रूर लगता है, एडजेक्टिव ई आर फिर देन, राजू इज टॉलर देन राहुल। ओके फ्रेंड्स, अभी हो गया सुपरलेटिव डिग्री, राजू सबसे लंबा लड़का है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा सेंटेंस में सबसे वर्ड यानी शब्द ज़रूर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे लंबा आ गया, तो राजू इज द ज़रूर लगाएंगे इसमें हम, फिर उसके बाद एडजेक्टिव टॉल और उसमें ई एस टी लगाएंगे, राजू इज द टॉलेस्ट, एडजेक्टिव में हमेशा ई एस टी ज़रूर लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में, इतना आप याद रखना, और द ज़रूर लगेगा, राजू इज द टॉलेस्ट बॉय
या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि राजू इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉय। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री किसको बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसको बोलते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं उनके वर्ड्स, जैसे इंटेलिजेंट, फरोसस, पॉपुलर, तो ऐसे वर्ड्स में हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ER या EST नहीं लगाते हैं। फिर उसके लिए क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट। जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा और उसका एडजेक्टिव बड़ा होगा, मीन्स जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हैं, तो इसमें ER या EST नहीं लगाते। ओके फ्रेंड्स, इसमें मोर कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस के द्वारा समझते जाते हैं। राधा सीमा से तेज है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि राधा इज इंटेलिजेंटर, ऐसा नहीं बोलते हम। वहाँ पे इंटेलिजेंट के साथ ER नहीं लगा सकते हम, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए कंपैरेटिव में मोर लगता है। तो राधा इज मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद जैसा रहेगा वैसा ही रहता है, देन सीमा, इसमें मोर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, राधा अपने क्लास में सबसे तेज लड़की है, इसमें सुपरलेटिव हो गया, तो राधा इज द मोस्ट लगेगा, इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। ओके फ्रेंड्स, जब भी कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह के बड़े बड़े वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं तो उसमें हम ER या EST नहीं लगाते हैं, उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया, अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से अभी आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कौन सा डिग्री में किस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा भाई उतना ही तेज है जितना कि तुम्हारा भाई। My brother is as intelligent as your brother. राधा उतनी गोरी है जितनी की सीमा। राधा is as fair as सीमा। तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना कि मेरा भाई। You are not as, या हम so भी बोल सकते हैं as की जगह, so as या so, तो so strong as my brother. तुम उतने लंबे नहीं हो जितने कि तुम्हारी बहन। यू आर नॉट सो टॉल एज योर सिस्टर। मैं तुमसे तेज नहीं हूँ। आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट देन यू। वह मुझसे मजबूत नहीं है। ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन मी। मेरे पिताजी तुमसे धनी हैं। My father is richer than you. वे लोग हमसे मजबूत हैं। They are stronger than us. मैं तुमसे तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। I can't run faster than you. क्या तुम मुझसे अच्छा गा सकते हो? Can you sing better than me? माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे लोकप्रिय डांसर था, तो माइकल जैक्सन वॉज द मोस्ट पॉपुलर डांसर इन द वर्ल्ड। मुंबई दिल्ली से छोटा है। मुंबई इज शॉर्टर देन दिल्ली। मुंबई दिल्ली से आबादी में बड़ा है। मुंबई इज लार्जर देन दिल्ली इन पॉपुलेशन। मेरी पेन तुम्हारे पेन से लाल है। माई पेन इज रेडर देन योर पेन। क्या तुम अपने गांव में सबसे धनी आदमी हो? आर यू द रिचेस्ट मैन इन योर विलेज? राजस्थान इंडिया का सबसे गर्म प्रदेश है। राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया। वह
सबसे बुरा लड़का है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि बैड में बैडर बैडेस्ट ऐसा नहीं बोलते हम, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपेरेटिव अलग होता है और सुपरलेटिव उनका अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जिनका जिनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव अलग होता है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो ये है, इन वर्ड्स को आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त हम इसमें ईएसटी या ईआर लगाकर नहीं बनाते हैं। ओके, तो तुम सबसे बुरे लड़के हो, अगर सबसे बुरे बोलते हैं तो वर्स्ट बोलेंगे, यू आर द वर्स्ट बॉय। और तुम मुझसे बुरे लड़के हो तो यू आर द वर्स देन मी। अब जैसे गुड का बोलेंगे कि वह मुझसे अच्छा लड़का है, ही इज बेटर देन मी। अगर वह सबसे अच्छा लड़का है बोलेंगे तो ही इज द बेस्ट बॉय। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड, गुडर, गुडेस्ट ऐसा नहीं बोलते, गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं। ओके, तुम मुझसे अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर द बेटर प्लेयर देन मी। वह इस शहर का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस सिटी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। एक स्ट्रक्चर आपने सीखा कि इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को याद करके अपने दिमाग में रख कर उससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और उसका इंग्लिश अनुवाद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वे है। अभी आपके लिए ये रहा होमवर्क के लिए, ये सेंटेंसेस आप बना लेना अच्छी तरह से, और नेक्स्ट क्लासेस में जो हम इसका आंसर बताते हैं उससे आप मैच भी ज़रूर किया करो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।